ओम नमः शिवाय। अरे मैं तो टहलते टहलते राज्य से बाहर आ गया। ओम नमः शिवाय। यहाँ कौन तपस्या कर रहा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे राजन रुको। जी मुनिवर बताइए। तुम्हारी मुझसे जान न पहचान फिर भी तुमने मुझे प्रणाम किया। अरे मुनिवर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो संस्कार होते हैं। तुम्हारे संस्कार तो बहुत उच्च है, मैं तुमसे काफी प्रसन्न हुआ। ये लो मीठे वैर, इसकी एक खासियत है, जो इसे खाए उसके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। अरे मैं तो खुद ही राजा हूँ, ये फल खा के मैं कितना धन अर्जित करूंगा। इसे किसी गरीब को दे दूंगा, ये काफी गरीब औरत है, धूप में काम कर रही है, ये फल इसको दे दूंगा। ये सुनो, ये एक फल है, इसे तुम अगर अपने बच्चे को खिला दोगी तो ये काफी अमीर हो जाएगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये फल मैं इसे क्यों खिलाऊं? ये तो मेरा सौतेला बेटा है, ये अमीर हो गया तो कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। ये फल तो मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी। चलो बेटा घर। बेटा ये लो फल खा लो। मैडम जी दो दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अच्छा रुको ला कर देती हूँ। ये लीजिए अंकल जी अमरूद खा लीजिए। अरे कह रहे भी खा रहे तूने मेरे बच्चे का अमरूद खा लिया? अरे तुझे क्या पता ये अमरूद कितना कीमती था? अब मैं कैसे अमीर बनूंगी? चल भाग यहाँ से। मैं कैसे अमीर बनूंगी? अरे एक अमरुद खा लिया कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे इतने सारे सोने पैसे। अरे भिखारी रुको, तुम एक भिखारी हो और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और जवाहरात कहाँ से? अरे इसी घर में एक छोटी बच्ची थी, उसने फल दिया खा लिया तो सब आ गया। अच्छा तो यही चमत्कारी फल था वो, लेकिन उस लड़की ने इसे क्यों दे दिया? चल के पता करना पड़ेगा। अरे बच्चा तुम यहाँ रो रही हो और वहाँ वो भिखारी अमीर हो गया। अरे महाराज क्या बताऊँ, आप जो फल दिए थे वो भिखारी खा के अमीर हो गया। लेकिन वो फल तो मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए खिलाने के लिए दिया था, तुमने उसी वक्त उसे क्यों नहीं खिलाया? अरे महाराज क्या बताऊँ, मैं लालच में आ गई थी, वो मेरा सौतेला बेटा था, मैंने सोचा था वो फल मैं उसको न खिलाकर अपनी बेटी को खिलाऊंगी, मेरी बेटी वो फल उस भिखारी को दे दी। देखा बच्चा अंजाम क्या हुआ, तुमने अपने बेटे पे भरोसा नहीं किया और तीसरा कोई फायदा उठा के चला गया। हाँ महाराज मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मम्मी, मैं मेहनत करके अमीर बनके और आपकी सेवा करूंगा। देखा मैडम जी आपका बच्चा कितना होशियार है, आपने इस पे शक किया था। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी मेहनत से अमीर बनना और अपनी माँ का सेवा करना।